नमस्कार चैंपियंस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं साकेत सुमन। और चैंपियंस में वाकई आज एक चैंपियन के साथ हम लोग मौजूद हैं, जिनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनकी तैयारियां एशियन गेम्स को लेकर किस तरीके से चल रही हैं, और खासतौर पर विदेशों में जो ट्रेनिंग करके आई हैं, जो कॉम्पिटिशन लड़ा है उसमें किस तरीके से, और बहुत सारी चीज़ें उनको सामना करना पड़ा, तैयारियाँ किस तरीके से। सबसे पहले स्वागत करते हैं, विनेश हमारे साथ है। विनेश, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और विनेश के चेहरे पर एक थकान भी है, और इस थकान का राज भी जानने की कोशिश करते हैं। विनेश, काफी थकी हुई लग रही। देखिए सर, वेट भी मेंटेन कर रहे हैं, ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, कंपटीशन भी काफी टफ जाने वाला है, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम प्रिपरेशन करें। अभी आज संडे था, लेकिन संडे को हमने फ्लाइट पकड़ी है, और कल हमने हार्ड ट्रेनिंग, मतलब पूरे वीक हार्ड ट्रेनिंग हुआ था, रेस्ट नहीं हुआ है, तो थोड़ा सा फील हो रहा है कि थकान आ रही है वापस बॉडी में। और मैं चाहती हूँ जल्दी से सब खत्म होकर रिकवरी करूँ, क्योंकि कल से फिर ट्रेनिंग स्टार्ट करना है। भारत में तो ट्रेनिंग कर ही रही हैं, इसके साथ साथ अब्रॉड में भी, विदेश में भी ट्रेनिंग कर रही हैं, कितना फ़ायदा मिल रहा है? काफ़ी फ़ायदा मिला है, क्योंकि मैं अभी 1.5 महीने तक मैं हंगरी में ट्रेनिंग करके आई हूँ, और जो जिस चीज़ के लिए मैं गई थी वो कहीं मेरा फुलफिल हुआ है, और कॉन्फिडेंस के साथ मैं वापस आई हूँ कि जो कमी जो मैं लेके गई थी वहाँ से, वहाँ उसमें मैं सुधार करके आई हूँ। और एशियन गेम्स काफ़ी टफ होने वाला है, हर एक ओपोनेंट टफ होने वाला है, उसके लिए भी मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ कि हाँ मुझे 6 मिनट तक लड़ना, हर एक सेकंड तक मुझे, मतलब आखिर के सेकंड तक मुझे क्या पता मैच स्ट्रॉन्ग चले और लड़ना पॉइंट लेने पड़ सकते हैं, तो बस वो मेंटली प्रिपेयर भी हूँ, फिजिकली भी हूँ, और देखते हैं क्या होगा मैट पे। वेट कैटेगरी की जिस तरीके से आपने बात की, बहुत सारे ओपोनेंट भी हैं वेट कैटेगरी को आपको लेकर के, और बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं आपकी वेट कैटेगरी में। फिजिकली तो फिट है ही, मेंटली कितनी स्ट्रांग है? बिल्कुल स्ट्रांग हूँ, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स है, उसके बाद मैं स्पेन में गई हूँ, वहाँ पे भी गोल्ड मिला है, और सभी अपोनेंट काफ़ी स्ट्रांग थे, तो जो कॉन्फिडेंस मुझे मिला है, मैं चाहूँगी उसी कॉन्फिडेंस के साथ मैं एशियन गेम्स में जाऊँ, और जितने भी टफ अपोनेंट्स हैं उनके साथ मैं अपना बेस्ट दूँ। और मुझे पता है कि मेरे अपोनेंट्स कौन है, पहले भी मैच हो चुका है, और उनको मेरा पता है, मुझे उनका पता है, लेकिन वो टाइमिंग पे और उस मैच में कौन कितना, मतलब कम गलतियां करेगा, तो उसको मुझे लगता है कि वो जीत मिलेगी। विनेश, जब आप ओपोनेंट को नहीं जानते हैं तब की स्ट्रेटजी, और जब जानते हैं तब की स्ट्रेटजी, कितना फर्क हो जाता है? काफ़ी फ़र्क हो जाता है, क्योंकि हमें पहले से पता होता है कि अपोनेंट ये कर सकता है और ये हम उसके साथ में कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ से पॉइंट्स मिलता है, और जब स्ट्रॉन्ग मैच चलता है तब अगर थोड़ा सा भी अगर हमें पता चलता है कि अपोनेंट यहाँ से वीक है, तो हम वहाँ पे पॉइंट लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब मैच टफ हो जाता है तब वहाँ से पॉइंट निकालना, मतलब कि काफ़ी टफ हो जाता है। और अगर आप अपोनेंट्स को नहीं जानते तो कई बार ऐसा होता है कि, मतलब ऐसी टेक्निक लग जाती है कि पूरा मैच वो चेंज हो जाता है, तो मोस्टली मेरा सभी रेसलर्स के साथ मैच हो चुका है, मुझे उनका पता है, उन्हें मेरा पता है, तो दोनों स्टडी कर रहे हैं, और जिनका अच्छा प्रिपरेशन होगा, जिनका लक अच्छा होगा, जिनके साथ दुआएं ज़्यादा होंगी, तो बिल्कुल रिजल्ट उनके फेवर में ही जाएगा। कम से कम हिंदुस्तानियों की दुआएं तो है आपके साथ। बिल्कुल, हमारे पास इतने, मतलब लोगों की दुआएं हैं, 125 करोड़ हमारे पास, मतलब लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो मुझे नहीं लगता इतनी दुआएं किसी के पास होंगे, और मेहनत भी हमने काफ़ी अच्छी की है, तो होपफुली रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा ही होगा। विनेश, चीनी पहलवान जिसको आप प्रो रेसलिंग लीग से टारगेट पे है, जब हम लोग बात कर रहे थे प्रो रेसलिंग लीग के दौरान, आप तब से उन पर निगाहें हैं, अब कुछ और चेंजेस कुछ करने पड़े हैं? अभी बस वो उस मैच से मैंने काफ़ी कुछ सीखा है, ओलंपिक्स में जो मैं नहीं कर पाई थी उसके बाद मुझे पता चला कि हाँ कि अभी भी कुछ कमियां हैं जिन पे मैं काम कर सकते हूँ, उन्हीं पे काम किया है। और वहाँ पे सिर्फ चाइनीज़ नहीं है, जापानीज़ भी है वहाँ पे, तो मैं किसी एक एथलीट को लेकर स्ट्रेटजी नहीं बना रही हूँ, मैं मेरा कोशिश रहेगा कि हर एक मैच में जो मेरे साथ अपोनेंट आएगा उसके साथ मुझे कैसे खेलना, वो मुझे उस टाइम पे सोचना है कि हाँ किसके साथ कैसा खेलना उसके साथ, तो हर एक अपोनेंट को लेकर अलग अलग स्ट्रेटजी मैंने बनाया है, और मैं कोशिश करूंगी कि मैं कम से कम गलती करूं, और उनकी जो गलतियां हैं उसके ऊपर मैं पॉइंट स्कोर करूं। अभी कुछ दिन पहले बबीता से बात हो रही थी, और बबीता ने ऑफ द कैमरा आपके बारे में बताया कि दिमाग में स्ट्रेटजी हमेशा चलती रहती है विनेश के, कि बेशक वो अभ्यास ना कर रही हूँ, प्रैक्टिस में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी दिमाग में उसके चलते रहता है कि इस अपोनेंट के खिलाफ ये स्ट्रेटजी बनानी है। बिल्कुल, क्योंकि अभी लेवल काफ़ी हाई हो गया है रेसलिंग का, अगर आप इंडिया में भी देखो या आप वर्ल्ड लेवल पे भी देखो, और अगर आप, मुझे लगता है कि मैं हमेशा कुश्ती के साथ जुड़ी रहती हूँ, वो भी मेरे लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि मैं हमेशा मेरे माइंड में, मेरी एक्टिविटीज़ में मैं रेसलिंग लेती है, अगर मैं मैट को, अगर मैं इंजर्ड भी हूँ या कुछ भी हूँ, मैं मैट को टच करके भी आ रही हूँ, तो कहीं ना कहीं वो फीलिंग भी मेरे अंदर मैं जिंदा रखना चाहती हूँ, और वही मुझे लगता है कि मेरा कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा कारण है कि मैं हमेशा मैट के टच में रहती हूँ। और स्ट्रेटजी आपको बनानी पड़ेगी,
रही क्योंकि आपका लेवल बहुत ही ज्यादा हाई है। अगर मैं ओलंपिक की सोच रही हूँ, मुझे हर एक अपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए कि वो कौन किस टाइम पे क्या कर रहा है, वो कौन सी नई टेक्निक सीख रहा है और कौन सा वो जगह पे वो चेंज करने की ट्राई कर रहा है, तो मैं भी वहीं देखती हूँ और वहीं अपने अंदर भी ट्राई करने की कोशिश करती हूँ। अभी टॉप्स योजना चल रही है, उसके तहत आप लोग बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो टॉप्स के तहत अभ्यास कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, विदेश में जा रहे हैं, उसका कितना फायदा हो रहा है ना सिर्फ विनेश को बल्कि पूरे रेसलिंग फेडरेशन जो कर रही है, कितना फायदा इससे हो रहा है तमाम रेसलर्स को? काफी फायदा हो रहा है क्योंकि पहले हमें बाहर जाने के लिए सोचना पड़ता था, कई बार होता था कि हमारे पास बजट भी नहीं होता था इतना। अभी जैसे मैं स्पेन में गई हूँ, बाकी सभी जितने भी रेसलर्स थे, हमारी महिला रेसलर थी, वो सभी तुर्की में पार्टिसिपेट कर रही थी, लेकिन मैंने बोला कि मुझे स्पेन में जाना है क्योंकि मुझे वहाँ पे अपने वेट कैटेगरी में ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन लगा। तो टॉप से मुझे उसी टाइम, मतलब 2 दिन पहले मैंने बोला है, तो उसी टाइम मतलब उन्होंने सब कुछ अरेंजमेंट कर दिया, तो वो काफी बेस्ट है कि हम जैसे बोल रहे हैं तुरंत एक्शन हो रहा है और हमें सब कुछ मिल रहा है। तो एक एथलीट को बस वही चाहिए होता है कि हमने बोला वो हमें टाइम पे मिला, जो अपॉर्चुनिटी जो हमें चाहिए थी वो मुझे मिली, तो काफी खुशी है कि फेडरेशन भी आपको इतना सपोर्ट करी है और जो हमारी टॉप्स जो स्कीम बनाई है उसमें भी आप एथलीट के लिए मतलब सब कुछ है जो आप चाहते हो, तो जो अपॉर्चुनिटी है जो हमें मिलना चाहिए वो सब मिल रहा है, उसका हम भरपूर फायदा उठाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और राजवर्धन सर के आने के बाद ये सारी चीजें और ज्यादा अच्छे तरीके से चल रही हैं। देखिए, अगर आपकी टीम में जितने भी एथलीट जुड़ते हैं, जितने भी टॉप लेवल के एथलीट जुड़ते हैं, चाहे वो ओलंपिक मेडलिस्ट हो, चाहे वो नेशनल का मेडलिस्ट हो, जितना भी एनवायरनमेंट स्पोर्ट्स से जुड़ा होगा, जितने भी लोग आपके पास होंगे, वो सिर्फ आपको वही मोटिवेट करेंगे, वो आपकी फीलिंग को समझते हैं, वो समझते हैं कि एज ए एथलीट आप क्या कर सकते हैं मेंटली फिजिकली, तो वो जो सर्कल है वो मतलब एथलीट से अगर जुड़ा रहेगा, एथलीट से बना है, तो वो कॉन्फिडेंस भी अच्छा रहेगा, मुझे लगता है रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छा निकल के आता उस चीज़ में। एक चीज़ और है, अभी जो तैयारी आप लोगों की चल रही है वुमेन रेसलिंग की बात करें, कितने पदकों की उम्मीद और कौन कौन से आपको लग रहा है कि बिल्कुल पदक तो तक पक्का मानिए? सर, पक्का किसी का नहीं बोल सकती और ऐसा नहीं बोल सकती, ये नहीं लेके आ सकता, सभी ने अपनी तैयारी बेस्ट की है, सभी को पता है कि टफ जाने वाला है, सभी हर एक सेकेंड के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। उस टाइमिंग में, उस मैट पे 6 मिनट में जो फास्ट, जो हर एक सेकंड में मतलब सोचेगा कि अपोनेंट कैसा है और अपनी कम गलतियां करके अपोनेंट पे पॉइंट स्कोर करेगा, तो मुझे लगता है कि वही मेडल जीत सकता है। ऐसा कोई नहीं है कि मतलब नहीं जीत सकता या जो प्रबल दावेदार मैं बोल सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, सभी जीत सकते हैं। और गोल्ड, हाँ जी बिल्कुल, गोल्ड कोई भी जीत सकता है, ब्रॉन्ज कोई भी जीत सकता है, सिल्वर, वो दिन, वो टाइमिंग, वो सब वो मैट डिसाइड करेगा। और इस बार पुरुषों की बात करें तो सुशील भी हैं, बजरंग भी हैं और जिया जी भी हैं। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो सुशील कुमार जो 2 बार के ओलंपिक मेडलिस्ट है, वो हमारे साथ है, हमारे लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं होगी। मुझे काफी, जब वो टीम के साथ होते हैं तो मुझे तो मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो 4 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। टिप्स लेते रहती हैं क्या? टिप्स तो वो देते ही रहते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में जब मेरा फाइनल का मैच था, उन्होंने मुझे वार्म अप करवाया था, वहीं मुझे बोल रहे थे कि नहीं बेटा तू कर सकते हैं, तुझे करना है, ये मत करना, ये मत करना। तो अगर एक चैंपियन अगर आपको वार्म अप करवा रहा है, तो आप सोच सकते हैं आपका कॉन्फिडेंस किस लेवल का है। और जब वो टीम के साथ भी होते हैं तो मैं उनको जब देख भी लेती हूँ तो मेरा तो कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ जाता है कि हाँ, कि एक चैंपियन अगर आपके साथ में चल रहा है, वो बैठ रहा है, बोल रहा है, तो वहीं आपके लिए काफ़ी वो है। और वो मेरे साथ, वो तो हमारे साथ मैच भी कर रहे हैं, पहले दिन मेरे से मैच है, तो मुझे लगता है कि मैं उस चीज़ का काफ़ी फ़ायदा उठाने वाली हूँ। और बजरंग भी साथ में है और आप लोगों का ही माना जाता है कि आप लोगों की बॉन्डिंग बड़ी अच्छी है, बड़ा मस्ती करते हैं, खासतौर पर बजरंग और आप। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वही ना कि आपका आपका एम अगर हाई है तो आपको उन्हीं लोगों के साथ रहना चाहिए जिनका एम एक्चुअल में हाई है, वो चाहते हैं। तो बजरंग का भी एम हाई है, मेरा भी एम हाई है, अदर स्पोर्ट्स के साथ भी मैं मतलब काफ़ी अच्छा बॉन्डिंग बनाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि जितना आपका सर्कल जो है, जिनका सेम फोकस रहता है या सेम उनका एम है, तो मुझे लगता है कि वो अचीव करने के लिए वो एक दूसरे के लिए हेल्प भी करता है और मोटिवेट भी काफ़ी करता है। तो बजरंग और मैं तो हर टाइम जब बजरंग और मैं हो जाते हैं तो फिर किसी चीज़ की हमें जरूरत नहीं, हमारी कंपनी सबसे बेस्ट है। अच्छा, विनेश को सबसे ज्यादा मोटिवेट कौन करता है? मैं खुद ही करती हूँ शायद, और मुझे लगता है कि मेरा कॉन्फिडेंस ही मुझे यहाँ तक मतलब लेके आता है। मुझे खुद पे काफी विश्वास है, जो मैं करती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने लिए बेस्ट करती हूँ, चाहे मैं किसी भी चीज में जाऊँ, मैं अपना 100% अपने दिल से करती हूँ,
और वही मेरा कॉन्फिडेंस है। अभी कुछ और हमारे बॉक्सर्स के साथ भी हरियाणा की हैं, हिसार के रहने वाले बॉक्सर्स सोनिया और पवित्रा, इन दोनों से भी बातचीत हो रही थी, वो भी इस सवाल को उन्होंने भी इसी तरीके से लिया कि हम किसी को अपना मोटिवेटर नहीं मानते, हम खुद अपनी तैयारी से ही मोटिवेट होते रहते हैं। तो ये एक कॉमन फैक्टर सा नजर आ रहा है, और इससे कितना हेल्प मिलता है कि मैं ही खुद का मोटिवेटर हूँ, मैं ही खुद के आइडल हूँ, मैं ही खुद का गुरु। देखिए मैं तो बचपन से ही ऐसी हूँ कि मुझे हारना बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे जीत मतलब जीत चाहिए, और जीत के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार रहती हूँ, हमेशा रिस्क बहुत लेती हूँ मैं। कोई ये बोले कि आप नहीं कर सकते, उसको तो मैं जरूर ट्राई करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि नहीं होगा वो बाद की बात है, ट्राई तो करना बनता है। तो मेरा थोड़ा सा अलग फंडा है कि मैं दूसरे को देख के नहीं सीखती हूँ, मैं पहले खुद ट्राई करती हूँ, फिर मैं दूसरे को बोलती हूँ कि आप ये ट्राई कीजिए। तो मेरा और कॉन्फिडेंस का तो मैं बचपन से ही, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि मैं भी रेसलिंग में आने के बाद ही, बचपन से ही मैं हमेशा मतलब अलग चलने की कोशिश करती हूँ कि पहले मैं उस डिफिकल्ट रास्ते पे जाऊँ, फिर मतलब किसी को बोलूँ कि आप इस पे ट्राई करो। तो रिस्क की जो बात की अभी आपने, कोई ऐसा वाक्या हमें आप बताएंगे जहाँ पर यह था कि विनेश नहीं कर पाएगी और विनेश ने उसे फाड़ स्टाइल में किया, एकदम तोड़ दिया? काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि मतलब कॉमनवेल्थ गेम्स था, तो मेरा 2014 में, तब किसी को नहीं इतना था कि गोल्ड ले आएगी, तब मैं गोल्ड लेके आई, और ओलंपिक क्वालिफिकेशन जब लास्ट राउंड में पहुंच गया था, तब शायद किसी को इतना मतलब काफ़ी लोगों का विश्वास टूट गया था कि अभी इससे नहीं होगा, फिर तब मैंने गोल्ड जीत के किया। तो काफ़ी बार ऐसे हुआ, काफ़ी डिसीजन भी ऐसे लाइफ में मैंने लिए हैं जो मतलब काफ़ी रिस्की थे, अगर वो सक्सेस नहीं होते तो क्या पता मैं मतलब मेरा रेसलिंग डाउन चला जाता, लेकिन फिर भी मैंने वो रिस्क लिया, और भगवान की पता नहीं कृपा है या क्या है, मैंने जितने भी फैसले लिए हैं जिंदगी में आज तक वो 99% मतलब सही लिए हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है विनेश, एक चीज और, जो विमेन रेसलिंग का ग्रुप है इसमें सबसे ज्यादा मस्तीखोर कौन है और सबसे ज्यादा ज्ञान की बातें कौन करता? ज्ञान का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मस्तीखोर तो मैं ही हो सकती हूँ, सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा बोलती हूँ, कुछ चीज को भी कई बार परेशान कर देती हूँ, वो भी बोलते करे चुप हो जाओ प्लीज विनेश, अभी तो वेट कम कर रही है कुछ भी, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि मैं अगर मैं ऐसे तो दो लोगों को और मेरे साथ मैच आऊँ, और थोड़ा फनी वे में रहे, स्ट्रेस ना लें, कुछ भी जो आ रहा है जा रहा है, जाता रहे आता रहे, बस इंजॉय करने की कोशिश करती हूँ मैं हर एक मोमेंट में बस। आपने बताया था कि कुलदीप मलिक सर की किस तरीके से एक्टिंग भी करती हैं आप लोग जब वो गुस्सा हो। मैं सभी के साथ करती रहती हूँ, ऐसा नहीं है कि कोई भी मतलब हंसने से मतलब है कि मुझे अगर कोई सीरियस चल रहा है तो उसको हंसाना कैसे है, या मैं मुझे हंसने से मतलब है, चाहे कुछ भी बिना बात की मैं बात बना सकती हूँ हंसने के लिए, तो हंसना मुझे लगता है कि हंसना, अगर आप हंस रहे हो तो आपके पास स्ट्रेस बिल्कुल नहीं आएगा, प्रेशर नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, बस हंसते रहो चलते रहो मजे में। ये तो रेसलिंग टीम की बात होगी, और रेसलिंग परिवार की बात हो जाए तो वहाँ पे सबसे ज्यादा मस्तीखोर कौन है? वहाँ पे तो अगर ताऊ जी आगे तो कोई नहीं है, अगर चले गए तो सभी एक दूसरे से चढ़के हैं, कोई मतलब मैं नहीं बोल सकती वहाँ पे कि मैं हूँ, वहाँ पे तो कई ऐसे ऐसे हैं जो मेरे से भी चढ़के हैं। तो वहाँ पे तो डायलॉग्स चलना इधर उधर वो तो पूरा दिन मतलब कोई कम नहीं है उस फैमिली में। तो अभी तो संगीता ने भी मेडल जीता है, तो उसकी तैयारी किस तरीके से और बाकी ऋतु को लेके क्या है? देखिए वो काफ़ी यंग है और उनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस की और ज़रूरत है, रितु को भी थोड़ा सा एक्सपोजर कम मिला है क्योंकि मेरे वेट कैटेगरी में, तो हमेशा मैं ही लीड करती रहती हूँ उस वेट कैटेगरी में, संगीता को भी काफ़ी एक्सपीरियंस की कमी है, जब वो थोड़ा सा उनको एक्सपीरियंस मिलेगा, थोड़ा सा अपोनेंट्स को समझने लग जाएंगी, और थोड़ा सा खुद पे विश्वास और ज़्यादा मतलब उनको करना पड़ेगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा उनको वो मोटिवेशन नहीं मिला कि हाँ कि हम वो कर सकते हैं, वो मुझे लगता है कि उनको थोड़ा सा और बढ़ाने की ज़रूरत है। ऐसे में अगर एशियन गेम्स पर वापस हम बात करें तो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट कोई ऐसी कंट्री या उसकी ऐसी कोई पहलवान जो आपको लग रहा है कि हाँ ये इनसे मिलेगा टक्कर, मिलना स्वाभाविक है? देखिए जापान की जो लड़की है ओलंपिक चैंपियन है, चाइना जो है वो ब्रोंज मेडलिस्ट है, तो अगर आपके पास दो ओलंपिक के मेडलिस्ट हैं आपके वेट कैटेगरी में, तो आप सोच सकते हैं कि कंपटीशन का लेवल किस जगह पे जाने वाला है, और हर एक ओपोनेंट टफ है, एशिया में कोई भी एक ऐसी मैं कंट्री नहीं बोल सकती कि वो मुझे टफ फाइट नहीं देगी या जिनके ऊपर मैं मतलब इजी मतलब विन कर जाऊंगी, कोई भी किसी भी सेकंड पे स्ट्रॉन्ग पड़ सकता है, बस मेरा वो 6 मिनट किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है, तो वो 6 मिनट के लिए मुझे उस मैट पे एक एक सांस के लिए लड़ना पड़ेगा। एक आखिरी सा सवाल बस, एशियन गेम्स के बाद अब 2020 ओलंपिक, इसका अनुभव वहाँ बहुत काम आएगा? एशियन गेम्स के बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप,
वो भी एक ओलंपिक्स है और बैक टू बैक दोनों टफ कंपटीशन है, दोनों पे मेरा फोकस है। और उसके बाद मैं सीधा ओलंपिक्स में नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मुझे बैक टू बैक कंपटीशन में बेस्ट करना है, तभी मैं उस लेवल के नज़दीक जाऊँगी। और मेरा एम वही है कि मैं जितने भी कंपटीशन में जाऊँ, जितनी भी मैं सीख सकती हूँ ओलंपिक से पहले, वो मैं सीखने की कोशिश कर रही हूँ। और ओलंपिक्स अभी 2 साल हैं, तो जितना प्रिपरेशन कर सकते हैं, जितना अपने आप को मैं बेस्ट बना सकती हूँ, जो रियो में जो हुआ या जो गलती थी या कुछ भी था, वो मैं उसको पीछे छोड़ के वो मैं 2020 में वो कोई भी कमी ना रहे उस मेडल तक जाने के लिए, वो मैं ट्राई कर रही हूँ। बस यही है कि जो लोग मेरे पे विश्वास बना रहे हैं, वो मेरा कॉन्फिडेंस है, वो विश्वास प्लीज मत तोड़ना। और जो दुआएं हैं आप लोगों की, मुझे पता है कि हर एक एथलीट जो भी जा रहा है, सभी के साथ दुआएं हैं, और दुआ उतनी ही काम आती जितनी मेहनत। और चाहे हम विन करें चाहे लूज करें, कोई भी एथलीट, लेकिन जो विश्वास है वो बनाए रखिएगा प्लीज। तो ये बातचीत का एक सिलसिला था जो लगातार विनेश के साथ हमने चलाया, और उम्मीद यही है कि जो साथ मिला है विनेश का, विनेश को, आप लोगों का, वो इसी तरीके से जारी रहेगा। और हम लोगों की भी दुआएं हैं कि विनेश बेहतर करे और गोल्ड लेकर आए। तो इस पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।